गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 5 मई 2023 की करंट अफेयर्स की एमसीक्यूज सीरीज में आपका स्वागत है। सो इन वीडियोस में हम न्यूज से इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, कैसे न्यूज से क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं वो डिस्कस करते हैं, और आपको हर क्वेश्चन के साथ उसका सोर्स न्यूज़पेपर से डायरेक्ट यहाँ पे दिखेगा, सो दैट आपको पता चले कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, कौन सी न्यूज कैसे पढ़ी जाती है। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज The government of India will form a committee headed by Dash to consider administrative measures for concerns faced by same-sex couple. So, अगर आप न्यूज को डेली या कंटिन्यूसली रेगुलरली फॉलो करते हो, आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में गे कपल्स या सेम सेक्स कपल्स के रिगार्डिंग केस चल रहा है, और वो काफी दिनों से रेगुलरली न्यूज में आ रहा है। तो रिसेंटली इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो एक कमेटी बनाएंगे, जो भी सेम सेक्स कपल्स कुछ कंसर्न्स फेस करते हैं उनको ईज करने के लिए, उनको कम करने के लिए, उनके सॉल्यूशंस के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स कंसीडर करने के लिए। तो वो कमेटी के हेड कौन होंगे, ये आपका क्वेश्चन है। कमेटीज आपके एग्जाम्स में बहुत कॉमनली पूछी जाती हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ध्यान से कीजिए। ऑप्शन ए क्या है, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ऑप्शन बी इज कैबिनेट सेक्रेटरी। ऑप्शन सी इज सीईओ ऑफ नीति आयोग। एंड ऑप्शन डी इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो ये इस न्यूज का सोर्स है। ये काफी दिनों से सेम सेक्स कपल्स के रिगार्डिंग जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, कोई हियरिंग चल रही है, वो न्यूज में है। ये जो क्लिप है, ये द हिंदू की क्लिप है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेशली मेंशन किया हुआ है कि यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बोला है कि इट इज विलिंग टू फॉर्म अ कमेटी हेडेड बाय अ कैबिनेट सेक्रेटरी। क्या करेगी, टू कंसीडर एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स फॉर एड्रेसिंग द जेन्युइन ह्यूमन कंसर्न्स जो कि सेम सेक्स कपल्स फेस करते हैं उनकी डेली लाइफ्स में, जैसे कि बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, कोई भी उनको इश्यूज हैं डेली लाइफ में, तो इसके रिगार्डिंग ये कमेटी बनेगी। ये जो केस किसके रिगार्डिंग चल रहा है, लीगल रिकॉग्निशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज के रिगार्डिंग। तो आपको ये पता होना चाहिए, कमेटीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपके एग्जाम्स के लिए। तो ऑप्शन बी दैट इज कैबिनेट सेक्रेटरी इज द आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ लेक इज डल लेक। जो डल लेक है वो कौन से टाइप की लेक है। ऑप्शन ए इज फ्रेश वाटर लेक। ऑप्शन बी इज सॉल्ट वाटर लेक। ऑप्शन सी इज मैनमेड लेक। और ऑप्शन डी इज आर्टिफिशियल लेक। तो आप देख सकते हैं इस न्यूज का सोर्स क्या है, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ये देखो, अब G20 स्टॉप यानी कि G20 की मीटिंग है जो 22 मई से श्रीनगर में होने वाली है। G20 की करंट जो चेयरमैनशिप है वो इंडिया के पास है, तो G20 की जितने भी न्यूज है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो कुछ CRPF के पर्सोनल्स हैं, ये वहां पर सिक्योरिटी चेकिंग वगैरह के लिए काम कर रही है। ये श्रीनगर में डल लेक की पिक्चर है, तो मैंने सोचा आपको कवर करवाएं क्योंकि क्वेश्चंस बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं, जैसे इंडिया की लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक कौन सी है, या वर्ल्ड की लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक कौन सी है, इंडिया की फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, या ये वाली लेक फ्रेश। तो अब बात करते हैं डल लेक के बारे में। डल लेक श्रीनगर में है। श्रीनगर जो कि जम्मू एंड कश्मीर की समर कैपिटल भी है, ये एक फ्रेश वाटर लेक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए, आप अपनी ज्योग्राफी की बुक्स में भी पढ़ते होंगे। ये जो लेक है ये टूरिज्म के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको क्या बोला जाता है, ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, या फिर श्रीनगर ज्वेल। तो आपके लिए ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज फ्रेश वाटर लेक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाल्कन नेशन। नीचे दिए हुए ऑप्शन में से कौन सी बाल्कन नेशन नहीं है। ऑप्शन ए इज क्रोएशिया। ऑप्शन बी इज बोस्निया। ऑप्शन सी इज सर्बिया। एंड ऑप्शन डी इज रशिया। सबसे पहले तो ये क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर एक न्यूज थी कि सर्बिया के स्कूल में एक 13 ईयर्स ओल्ड बच्चे ने कुछ अपने क्लासरूम में या स्कूल में कुछ बच्चों पे शूटिंग कर दी। ये न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं क्यों डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि सर्बिया एक बाल्कन नेशन है, और यहाँ पे आप देख भी सकते हो, यहाँ पे कहीं पे मेंशन भी था बाल्कन नेशन का, ये रहा बाल्कन रीजन, वाइडर बाल्कन रीजन। तो इसी वजह से मैंने क्वेश्चन डिस्कस करने का सोचा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बाल्कन नेशंस कौन कौन सी हैं, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जगोविना, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, अल्बेनिया, मैकेडोनिया, ग्रीस, बुल्गारिया, रोमानिया।
और इसमें एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, टोटल 11 मेंबर्स हैं इसके, लेकिन जो टर्की है इसको तुर्की बोलो, तुर्की ये भी इसका रिसेंटली नाम जो चेंज किया गया था, इसका वेस्टर्न मोस्ट पार्ट भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी मैप में टर्की का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट मेंशन किया हुआ है। ये मैंने बाल्कन नेशन का यहाँ पर मैप लगाया है, यहाँ पर आप देख सकते हो कौन कौन सी कंट्रीज इसकी पार्ट है। और अगर आप मैप से या विजुअल रिप्रेजेंटेशन से चीजें देखते हो, याद करते हो, आपको एग्जाम में रिप्रोड्यूस करने में, रिकॉल करने में हेल्प होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज रशिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, द ओनर्स टू इंश्योर अ फीडिंग स्पॉट एंड टाइम फॉर रेसिडेंट्स टू गिव फूड टू द एनिमल्स इज ऑन। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंडर डिपार्टमेंट है, जो कि जिसने एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स नोटिफाई किए थे, जिसके अकॉर्डिंग जो एनिमल्स हैं उनको खाना देने का एक स्पॉट और टाइम जो रेजिडेंट्स ने फीड करना है कर सकते हैं, वो किस पे है, कि ओनस किस पे है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टाइम वो स्पॉट डिसाइड करे। ऑप्शन ए है द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ऑप्शन बी है रेजिडेंट वेलफेयर और एसोसिएशंस एंड अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशंस, ऑप्शन सी इज कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑप्शन डी इज द म्यूनिसिपैलिटी। तो ये इस न्यूज का सोर्स है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, स्पेशली मेंशन है कि 10 मार्च 2023 को मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने एक एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स नोटिफाई किए थे, जिसके अकॉर्डिंग जो किसी भी एनिमल्स वहां के एरिया के जो एनिमल्स हैं उनके लिए एक फीडिंग स्पॉट और टाइम वो फिक्स करेगा रेजिडेंट्स के लिए, और उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ओनर्स किसके पास है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस और अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशंस के लिए। तो रूल्स के अकॉर्डिंग जो फीडिंग स्पॉट्स होंगे वो बच्चों के प्ले एरिया से दूर होने चाहिए, एंट्री और एग्जिट पॉइंट से दूर होने चाहिए, जो सीढ़ियां होती हैं स्टेयर केसेस उससे दूर होने चाहिए, और एक ऐसे एरिया में होने चाहिए जो कि बहुत ही कम फ्रीक्वेंट बच्चे बहुत कम यूज करते हैं, और सीनियर सिटीजन भी, सो दैट इससे बच्चों को या बूढ़ों को या किसी भी इंसान को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस न्यूज के रिलेटेड। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन एंड अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन। ऐसे क्वेश्चन बहुत कॉमनली एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्पेशली अगर जैसे आप यूपीएससी का कोई एग्जाम दे रहे हो या स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, और फिर आप जब क्वेश्चन आता है क्वेश्चन पेपर में, तो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये कहाँ से पूछा गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एकता हार्बर द नेशनल डिफेंस फोर्सेस कोस्ट गार्ड विजिटेड बाय यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इज लोकेटेड इन विच कंट्री। रिसेंटली हमारे यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने एकता हार्बर को विजिट किया है, जो कि नेशनल डिफेंस फोर्सेस कोस्ट गार्ड है, ये कौन से देश में है। ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है मालदीव्स एंड ऑप्शन डी है यूनाइटेड किंगडम या यूपी। यहाँ पर आप देख सकते हो इस न्यूज का सोर्स, यहाँ पर आप देख भी सकते हो इस पिक्चर में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी एंड उनके मालदीवियन काउंटर पार्ट मरिया दीदी माली में ये सेरेमनी में पार्टिसिपेट कर रही है। तो राजनाथ सिंह जी एंड उनके मालदीवियन काउंटर पार्ट मरिया दीदी, इन्होंने नींव पत्थर रखा है मालदीव्स के नेशनल डिफेंस फोर्सेस कोस्ट गार्ड का, जिसका नाम है एकता हार्बर। तो ये जो है ये वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रांट इन प्रोजेक्ट है इंडिया का। एक जॉइंट प्रेस कम्युनिक भी एक इशू की गई थी इसके बाद, इस सेरेमनी के बाद। और इसके साथ आपको ये भी याद रखना है कि पिछले 11 सालों में पहली एक इंडियन डिफेंस मिनिस्टर की विजिट है एक आईलैंड नेशन में। तो मालदीव्स भी एक आईलैंड नेशन है, एक टापू देश है, तो इसी वजह से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपको ध्यान में रखने हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज मालदीव्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अजय बांगा विल बी द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन प्रेसिडेंट ऑफ। अजय बांगा पहले इंडियन अमेरिकन प्रेसिडेंट होंगे किस ऑर्गेनाइजेशन के। ऑप्शन ए है यूएन, ऑप्शन बी है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी है एससीओ यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑप्शन डी है ब्रिक्स। ये इस न्यूज का सोर्स है, आप देख सकते हैं यूनाइटेड नेशंस ने अजय बांगा जी को पिक किया है और कंफर्म किया है कि ये वर्ल्ड बैंक के नेक्स्ट प्रेसिडेंट होंगे। ये फर्स्ट एवर इंडियन अमेरिकन है और पहले सिख अमेरिकन है, जो कि एक टू टॉप इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के हेड बनेंगे या बने हैं या बनेंगे।
कौन कौन सी, एक तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और दूसरी वर्ल्ड बैंक। तो क्वेश्चन में, ऑप्शंस में आपके इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं था, तो आपका आंसर क्या होगा, वर्ल्ड बैंक। यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ल्ड बैंक ने कंफर्म की है कि ये नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनेंगे, 5 साल की इसकी इनकी टर्म होगी, और इनके जो आप बोल सकते हो किसको सक्सीड करेंगे पहले, अभी करेंटली वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, डेविड माल्पिस। तो इनके बाद 2 जून को अजय बंगा जी ये प्रेसिडेंट बनेंगे वर्ल्ड बैंक के। ये उनकी पिक्चर है, आप देख भी सकते हो, और एज एन इंडियन भी आपके लिए बहुत प्राउड मोमेंट होना चाहिए ये। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, वर्ल्ड बैंक। यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया हुआ, मैं कर देती हूँ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्लू बगिंग इज रिसेंटली न्यूज विच इज रिलेटेड टू, ऑप्शन ए इज अ न्यू टी बग, ऑप्शन बी इज मलिशियस अटैक, ऑप्शन सी इज अ न्यू अक्वेटिक स्पीशीज, एंड ऑप्शन डी इज न्यू कोविड वेरिएंट। सो रिसेंटली ब्लू बगिंग न्यूज में था, क्यों था न्यूज में, क्योंकि आंध्र प्रदेश की पुलिस ने अपने लोगों को एक वार्निंग इशू की थी, या कॉशन एक इशू किया था कि जो भी स्मार्टफोन यूजर्स हैं वो ब्लू बगिंग से अवेयर रहें। अब ब्लू बगिंग है क्या, ब्लू बगिंग एक टाइप का मलिशियस अटैक है जो कि हैकर्स को अलाउ करता है असेस देने में जिसका भी वो फोन हैक करेंगे थ्रू द ब्लूटूथ इनेबल्ड डिवाइसेस। तो अगर आप ब्लूटूथ इनेबल्ड डिवाइसेस यूज करते हो, सपोज आप अपने फोन का, लैपटॉप का, टैबलेट का, ईयरफोन्स का, स्पीकर, स्मार्ट वॉचेस, जो भी चीजों के लिए आप ब्लूटूथ यूज करते हो, उन डिवाइसेस को ये टारगेट कर सकता है। ऐसे क्वेश्चंस आपके साइंस एंड टेक का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मलिशियस अटैक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया का फर्स्ट अंडरसी ट्विन टनल विल बी अनवील्ड सून इन विच स्टेट, भारत के कौन से राज्य में जल्दी ही पहला अंडरसी ट्विन टनल अनवील किया जाएगा। ऑप्शन ए है वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी है केरला, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, एंड ऑप्शन डी है असम। तो ये आप देख सकते हो इस न्यूज का सोर्स, ये पिक्चर द इंडियन एक्सप्रेस से ली गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो ट्विन टनल, ये जो है ये टनल है, ट्विन टनल है, ये टनल गिरगांव के जो ब्रीच कैंडी है वहां तक जाएगा, मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट का ये पार्ट है। किस किस को कनेक्ट करेगा, ये बेंड्रा वर्ली सी लिंक है और जो मरीन ड्राइव है इनको लिंक करेगा। ये जो टनल है 10.58 किलोमीटर मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट का पार्ट है जो इन दोनों को कनेक्ट करेगी पीक आवर्स, जबकि बहुत ट्रैफिक होता है उस टाइम के अंदर। तो ये साउथ मुंबई में ये होगी, बहुत ही जल्दी कंप्लीट होने वाली है। तो स्टेट कौन सी है, महाराष्ट्र, क्योंकि मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 इज, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का क्या रैंक है। जो आपके इंडेक्सेस हो गए, इंडेक्स हो गई यानी कि रिपोर्ट्स हो गई, ये बहुत कॉमनली पूछी जाती हैं, स्पेशली जो न्यूज में रहती हैं। ऑप्शन ए है 150, ऑप्शन बी है 161, ऑप्शन सी है 170, ऑप्शन डी है 180। सो ये आप देख सकते हो यहाँ पर स्पेशली लिखा हुआ है कि इंडिया की जो रैंकिंग है 2023 में वो 161 हुई है, जो कि पिछले साल से आप बोल सकते हो स्लिप हो गई है, वो कम हो गई है। टोटल 180 कंट्रीज होती हैं जिसमें इंडिया की रैंकिंग है 161, लास्ट ईयर इंडिया की रैंकिंग थी 150, तो इंडिया के लिए अच्छी न्यूज नहीं है। जो ये रिपोर्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट, कौन पब्लिश करता है ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। अगर आप यूपीएससी से के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, स्टेट पीसीएस के लिए, आपको पता होगा ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है यूपीएससी के सिविल सर्विसेज में कि ये जो रिपोर्ट है कौन पब्लिश करता है। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है कि 2023 की रिपोर्ट में फर्स्ट रैंक किसका था, नॉर्वे का, और ये सातवीं बार लगातार, कॉन्सिक्यूटिवली लगातार सातवीं बार रैंक वन इसने हासिल किया। सेकंड नंबर पर है आयरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन एंड फिनलैंड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पन्ना नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, सो हम डेली एक नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कवर करते हैं। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी है मणिपुर, एंड ऑप्शन डी है तेलंगाना। सो जो पन्ना नेशनल पार्क है ये मध्य प्रदेश में है, बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क आपके एग्जाम्स में बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं, मैच द फॉलोइंग में भी पूछ लिए जाते हैं। तो आई होप आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा कि न्यूज कैसे पढ़नी होती है, कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, और आपको ये क्वेश्चन से कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर मिली होगी।
इसकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। ये जो पीडीएफ है आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए यूज कीजिएगा, क्योंकि जो वीडियो है इसमें हम बहुत सारे एडिशनल पॉइंट्स भी डिस्कस करते हैं और सुन के चीजें आपके दिमाग में चली जाती हैं। बाकी ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, यहाँ पर भी हम अपडेट्स वगैरह एग्जाम्स के रिलेटेड बताते हैं, आप हमें यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर ये वीडियो ने आपकी किसी भी तरह हेल्प की हो प्लीज हिट द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। सी यू टुमारो एट 8 o'clock, हैव अ नाइस डे।